हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग है फर्स्ट डे ऑफ द प्ले स्कूल मेरे बच्चों का। सो वो था 4th of March 2022। सो कीप वॉचिंग गाइज। वीवो आर यू रेडी टू गो टू द स्कूल? आर यू रेडी? ऑटो ले दो। ऑटो ले दो? ऑटो इज गोइंग टू कम टू पिक यू अप टू गो टू द स्कूल। ऑटो ऑटो इजी गो। Yuvi, are you ready to go to the school? Are you ready? Yuvi, are you ready to go to the school? Are you ready? Finally, mask पहन के ये लोग तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। बच्चे ऑटो में बैठ चुके हैं और स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा उनके शक्ल में डर दिख रहा है क्योंकि पहली बार वो अपने घर से अकेले जा रहे हैं विदाउट देयर पेरेंट्स। पहले दिन भी मैं उनके साथ नहीं गई थी और उनके साथ या तो एक आया या तो टीचर बैठती हैं ऑटो में ताकि बच्चे सेफली स्कूल जा पाएँ। और ऑटो शुरू हो चुका है। स्कूल पहुँचने के तुरंत बाद बिना डरे दोनों ही प्ले एरिया में जाके सीसो में बैठ के खेलना शुरू कर चुके हैं। ये देखिए, ट्विन बेबीज़ होने का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये एक दूसरे का साथ रहते हैं, सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा डर नहीं लगेगा कोई भी चीज़ में। मुझे ये एहसास हुआ ये पहला दिन स्कूल का देख के। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द स्कूल और ये है उनका नोटिस बोर्ड और ये कुछ इवेंट्स के पिक्चर लगे हुए हैं। तो मैं आप सबको स्कूल का ओवरव्यू दिखाऊंगी, बाहर से कैसे दिख रहा है स्कूल, और अंदर से मैं किसी और दिन दिखा दूंगी। ये टीचर बाहर बैठ के बच्चे के हाथों कुछ एक्टिविटीज़ करा रही हैं। एवरी सैटरडे एक्टिविटी क्लास होता है, तो एवरी सैटरडे दे ऑर्गेनाइज डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़। अगले व्लॉग में मैं आपको स्कूल के अंदर रूम्स कैसे हैं और कैसे सेक्शन सेग्रीगेट हो रखा है और बच्चे किस तरह से पढ़ाई लिखाई करते हैं वो सब दिखाऊंगी। और पेरेंट्स अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।